एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, पुलिस डिपार्टमेंट होश में आओ, पुलिस डिपार्टमेंट होश में आओ, एसएचओ बिलावर होश में आओ, एसएचओ बिलावर होश में आओ, एसएसपी कठुआ होश में आओ, एसएसपी कठुआ होश में आओ, डीएसपी होश में आओ, डीएसपी होश में आओ। शिव टाइम दे सारे दर्शकें मेरा राम राम। मैं डिंपल वर्मा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बिलावर च। अज 14-15 दिन होइए तीन स्टूडेंट की जेकी हत्या हुई ही, लेकिन अज तकर मुजरम की पकड़िया नहीं याद आ पाई। बड़े अफसोस करने बोलना पौंदा। अज फिर अस एग्जैक्ट पॉइंट जीरो ग्राउंड उपर प्हाड़ी इलाके बिच आ दे, लोअर बगन दे बिच। अस बिलावर दा असें कवरेज नहीं कीती। अस इंदे घर अज फिर आए, इन्हें लोकें पूछ रहे क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें मुजरम की पकड़िया या नहीं पकड़िया, और थोड़ा केस की लेइए कितनी ज़्यादा कार्रवाई हुई है। एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, हालांकि कुछ चिट्टे कुर्ते पजामे पाने वाले पॉलिटिकल लीडर भी हैं जेड़े अपनी राजनीति दियाँ रोटियां सेकने भी इंदे घर जाके आए, और बिलावर का भी इन्हें बड़े अच्छे भाषण भी किए न, लेकिन उन्हें भाषण करना रिजल्ट क्या निकलिया। अज जो मुजरम जेड़े ना सलाखें पिछे नहीं, और शरेआम घूमे दे, ये साड़ा कहना नहीं है, ये इंदे लोकें का कहना, क्योंकि तीन तीन बच्चे की जेकी डैथ होई दी है। केह रिपोर्ट आई है, केह रिपोर्ट नहीं आई है, अज इन्हें फिर भी डिंपल वर्मा ने कंटैक्ट किया, क्योंकि साढ़े घर भी एक महात्मदारी होती, अस उत्थे बिजी है, लेकिन फिर भी असें टाइम कढ़िया और इन लोगों की जेकी समस्या सुनने लोअर बगन के बिच आए। आओ, इन लोगों की समस्या की है सुनचे भला। अच्छा, केह नाम थोड़ा महाराज? मेरा विनोद कुमार शर्मा। अच्छा, केह अज 15 दिन होइए थोड़े तीन बच्चे की कि इतने डैथ होई ही, तो नुआढ़े बाद केह आश्वासन मिलिया, क्या मुजरम पकड़े या नहीं पकड़े ना? एसएचओ साहब ने गलाया दो मुजरम पकड़े ने जेडे इंदे कन्ने हे, ओ ये गलांदे जे पानी ही डुब्बी गए। ऐसा गल नहीं हो सकती महाराज, पानी डुब्बी गए, ये रड़ाए के नहीं, और वाके नहीं फैलाई जे दुनिया के नहीं गलाया, दुनिया ही ने दसना इतने डुब्बी गए, असि इनकी गलती कोई नहीं मनते, ये 8 दिन दसर दे जे डुब्बी गए, फिर साटा सबूत भी इंदा ही निकलता, मोबाइल इंदा ही निकलता, हर एक चीज इंदा निकलती, लेकिन पुलिस आले उत्थे सस्ते एक दिन ते दूए दिन उन्हें कहते जाओ करे, थोड़ी कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलत करे अगर नुआढ़े से कानून ही नहीं है, कोई 15 या 18 साल का बच्चा कोई नुआढ़े सामने गलत होया अगर मर्डर होया अगर, तो पुलिस ने नहीं गलाना जे बनने डकना कोई नहीं है, पुलिस आया अधिकार होना चाहिए, जेड़ा भी गलत करे उसी सजा होनी चाहिए, उसी सजा नहीं होगा कि दुनियादारी कि सुधरग, इधर पार्टी कोई नहीं चलग। एसएचओ ये गलाना पौना जे ये जागते है, एसएचओ ने गलाया ये जागते है, ये जागत उन्हें छोड़े देखे ना जागते हैं। अच्छा, मिकी एक गल और सुनाओ, जिस वेले असें कवरेज की ही नुआढ़ा बाद मुड़े की जी डैथ हुई ही, पोलिटिकल लीडर किन्नी बारी आए थे, और केड़े-केड़े लीडर इतने आ रहे भला जेडे आश्वासन देने या अपनी राजनीतियां रोटियां सेकने आए भला? बधेरे आए महाराज, बागबी नहीं बधेरे आए, लेकिन गलाने इे गलाया होना जे तुम आश्वासन दिने दौ चौ दिन क्लेयर करने, अज 15 दिन होइए कुछ नहीं गलाया, जे इं होया जे इं हो कख नहीं गलाया कुछ भी जी, छड़े छड़े कुसै मीडिया आह्ले कवरेज कीती होर आई है, कुसै मीडिया आह्ले कवर नहीं कीती, ये गेदे हरिद्वार हा गेदा, ये बलौर गेदे हे, बाकी उत्थे मीडिया आह्ले आखदे हे कोई गल नहीं, इक दौं दिन मसला हल करने, कोई अज तक मसला हल नहीं होया जी, एकड़ी गल ही नहीं पुछी कोई होया मसला हल या नहीं होया। चलो कोई नहीं, मेरे कन्नै होर भी मौजूद रिश्ता, तुस केह गलाना चाहंदे महाराज? महाराज, मैं तो सारे पहले थोड़ा बड़ा बड़ा मता शुक्रिया अदा करना शिव टाइम हुंदा, और महाराज असीं पुलिस डिपार्टमेंट उपर असीं भरोसा हा एक ने काम करना, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिता कि 2-4 दिन के अंदर थोड़ा काम होई जाता, महाराज नहीं होया। अब्बल तो पहला नंबर अपने उन्हें ना कोई उन्दी कार ट्रेलर असें कोई क्ल्यू दिता, ना सीसीटीवी जी फुटेज है वो नहीं कड़ी, उन्हें गला 4 दिन का असं टाइम दियो, एसएचओ साहब ने बोलिया नहीं निकली। अच्छा महाराज, जेडे मुड़े जेडे उन्हें असें उन्हें खुद दस्या कि मुड़े इंदे कन्नै ही, मुड़े कन्नै इन्हें पुछो, इन्हें कोई पता होना कि डुब्बे न जां मारदे न जां मर्डर है जां क्या है, उन्हें महाराज एसएचओ साहब ने आज वो चुके, अस साढ़े कहने उपर चुके, और एक फोन हा उन्हें पहले मुड़े ये अपना वो किता उत्थे बयान दिता कि फोन जेड़ा ना दे मुड़ी मुड़े जेड़े हे वो अपनी वो पानी डुब्बी है, एसएचओ साहब ने आख्या पानी जी डुब्बी आओ, महाराज 8-10 दिन बाद वो फोन मुड़े बरामद किया, उन्हें गलाया साढ़े बैग जा, असें बैग नहीं चेक कीते, ये गल है, और महाराज बड़ी एक बेकनामी है ये अपनी पुलिस की जी, इन 13 दिन होइए ना, अज 4 दिन का टाइम दिता असें, 13 दिन हो वरदे न, 4 दिन का टाइम दी 13 दिन हो वरदे, असें ना कोई स्पष्ट नहीं मिला, कोई असें क्ल्यू नहीं लगा कि हाँ ये मर्डर, असं साढ़ा इंदा जेडे पेरेंट्स न उंदा कहना कि ये मर्डर है,
साफ तो ऊपर कोई पानी नहीं डूब रही ना कुछ कुछ पब्लिक एड है वो भी गला दिए गए मुलजम और मुलजम पकड़े एसएचओ साहब ने उन्हें एक दिन सद्या उन्हें ना कोई अरेस्ट ऊपर लिया ना उन्हें कोई रिमांड ऊपर लिया वो उन्हें घरे भेज जुड़ते वो महाराज सरेआम खुलिया चलावने डर लगे हाँ अभी ये करा अभी वो करा अभी अगर जो बयान है उन्हें उनके फादर साहब ने मुलजम के जो फादर ने उन्हें वो किया कि तुम ये बयान बोलियो कि पानिया डुबदे और पैसे जिन्हे लगे सैसन लाने बयान करो और दूसरा बयान बदल दे बाकी पैसे लगे मैं ये लाने बाकी पेरेंट्स गल करी सकदे हो अच्छा मेरे कन्नै होर भी मौजूद न इस साइड आए थोड़े अग्गे भला तुस केह् गलाना चाहंदे भला तुस केह् गलाना चाहंदे महाराज साड़ी कोई कारवाई नहीं हुई है अज 13-14 दिन हुई है ना साड़ी कोई कारवाई नहीं हुई असें सख्त सख्त जी कारवाई होनी चाहिए साड़ी साढ़े मतलब बच्चे ने जेड़े वो मतलब कदर कीते दा कुसै वो असें पानी डुबण दा कोई असें वो नहीं है असें पूरा विश्वास है कि उन्हें कुसै मारदा गे मारा गेदे नो किस तरीके ने मारे क्यों मारे दो पता ही नहीं जाते किस कारण और ये दो मुंडे बच्चे जेडे पकड़ देना बच्चे नहीं आने 12वीं 13वीं बच्चा 10वीं पढ़दा जेड़ा ना वो आर्मी च जिंदा वो कोई निक्के बच्चे थोड़े ने वो उन्हें सारा पता और अगर मारे उंदे सामने मारे उन्हें मारे कुनी मारे उन्हें उंदी रेस्ट क्यों नहीं कीते गए उंदी पूछताछ क्यों नहीं हुई उंदी वो पूछने चाहिए थे कि के कार्रवाई अगे कानून जरा अगे उंदे ऊपर कोई मतलब करते तो उन्हें सारी कहानी बता दसनी ही उन्हें कोई कहानी पूछी नहीं उंदे खाली एक दो बारी सद्दे नो तो उन्हें छड्डी दे नो उंदे कोई सख्ती नहीं बरती उंदे ऊपर कोई सख्ती कार्रवाई की जा ताकि वो अगली मतलब अगला पॉइंट दसन के होता के नहीं होता किस तरह मार देन कियां मार देन कियां पानी जी सुट्टे नहीं जी क्या किया के नहीं किया साढ़े बच्चे ऐसे हैं कोई गलत नहीं है जिंदे रोज घर आंदे हे स्कूल का जिसल मतलब एस एच ओ साहब ने बुलाया बराबर उस वे बोलिया उन्हें बोलिया मुड़े उन्हें लाया थोड़ी आखो अस बचिए तो थोड़े मुड़े डुबी गए जी और मुड़े मैं पूछा साढ़े मुड़े का फोन कितने मुड़े बोलिया कि फोन जरा सा पानी बच्चे डुबी गया और मैं फोन लाया शुक्रवार फोन लग्या मिकी कहते झूठ बोलना तू नहीं लग्या फोन और कौन बोलता झूठ बोलते सारी दुनिया बोलती कहते झूठ बोलना तू कि भलेखा लगी गया मैं अनपढ़ बंदा मैं देखा नंबर देखा दोबारा पर्ची उपर लिखा मैं नंबर लाया नंबर लगी गया उसी मुड़े पूछा वो कहता पानी बच्चे डुबी गया फोन ठीक है उसके बाद 8-10 दिन बाद फोन को फोन मिली आ और इदा हो चोर कौन पकड़े चोर तो ही जिन्हें कहते हो सकता उन्हें मारे दे कुसै कोला मरा दे असें तो शक उसके उपर ही असं कुसै उपर बहम नहीं असं उन्हें मुड़े उपर ही बहम पुलिस ने क्या कार्रवाई दी भला आश्वासन क्या दस्या पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं दसी कोई नहीं दस कुछ उसके बाद उन्हें गलाया ठीक है जी तुम जाओ घर इतने पास बुलाए तुम तो जो 2-4 दिन के बाद दसने जो अच्छा 13-14 दिन हो गए उसके बाद सू नहीं बुलाया थाने कि बारी सद एक बार गए जी एक बार गए जी वो मुड़े भी सदे हे शुक्रवार जिस दिन मुंडे मिले ना खत्म हो गए उस दिन मिले मैं जी फोन लगा सवेरे 8:30 बजे मैं अनपढ़ बंदा जिन्हें मिकी पता नहीं 8:30 का टाइम हाँ वह गलांदे हो सकता बैटरी खत्म हो गई बाद पानी जो डुबी गया वजह कि डिगी दा होगा फोन बैटरी खत्म होई नहीं बाद थोड़ा फोन नहीं लगा महां सर मैं 5 मिनट बाद फिर फोन लाया तो फिर नहीं लगा फोन चलो मेरे कन्नै और भी पेरेंट्स मौजूद ने चाचू के नाम थोड़ा भला मेरा नाम रमेश चंद्र के काम करते तुस भला पल्लेदारी करने अच्छा पल्लेदारी करने अच्छा के आश्वासन दिता भला पुलिस ने तुसी भला पुलिस ने जो गलाया है 2-4 दिन बल्गी आओ ओदे बाद 15 दिन होई गया कोई कोई कार्रवाई नहीं की तासे जदन साहब हां ओ कई पुछदा आखदे डुबदे ने उन्हें मुले मारे गए ने हां मार ओ मारे ने डुबदे ने ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਚੋਈ ਗਲਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਰ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ
तुस अगर असें अगर इंसाफ नहीं दिलागे तो असें रोड भी बंद करना ये मीडिया माध्यम कन्नै एडवांस गै बोली जा दे अच्छा फिर दरवाजे भी खड़का देना एसएसपी होए एसएचओ होए जेड़ा मर्जी होए रोड बंद करने असें रोड बंद स्कूल बंद रोड हॉस्पिटल सब बंद करने सारे बंद सब बंद करने चलो ठीक है और भी मेरे कन्नै इस वेले मौजूद ने इस वेले स्थानीय यूथ भी इस वेले मौजूद है तुस के नाम थोड़ा भला मेरा नाम रूमिकार कुमार है ओते भरा है अच्छा भरा कुमार दा भरा है हां जी सर ये है कि मैं उधर गया था उस टाइम मेरे सामने गड्ढे हो उन्हें कोई पानी शानी उधर टिड्डे जाए नहीं हाँ ये मुड़े आखते कि उधर टिड्डे कोई पानी हाँ भरोदा प्लांटिंग कर कुछ नहीं कोई पानी शानी नहीं उधर टिड्डे भरोदा और एस एच ओ ने भी कुछ मैं सुनया कि उन्हें आख्या कि यही पानी उधर टिड्डे है हाँ कुछ एस एच ओ ने भी आख्या ये चीज़ असं कि प्रूव कर लेते उधर टिड्डे पानी अभी प्रूव करके दूँ ना ये चीज़ कि उधर टिड्डे पानी भरोदा उन्हें जो पानी बंदा डुबदा वा उन्हें हाथ दुखते इं होता कुछ इं होता फिर उधर ये साइज ऐसा हो सकता और असें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया दो तीन मुड़े असें वो किया अपनी तरफ सनाया है कि ये मुड़े है फोन असें बराउंड किया पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं पुलिस ने केह कार्रवाई की असें सनाओ ना अज 15 दिन होइए 15 दिन बाद कोई असें कोई उन्हें क्लू नहीं दिता कि ऐसा कोई किश होया असें कोई सबूत पकड़ा कोई मुजरिम पकड़े ऐसा असें कोई क्लू नहीं दिता कोई 5-6 दिन पहले तीन प्यो सद्दे दे हे उन्हें आख्या कि महाराज ये जागत न जागत उनका बयान लेते उन्हें आख्या कि हाँ महाराज डुबदे ने इं सची आखा ने पुलिस ने के आश्वासन दिता भला चलो कोई नी थोड़ी गल जरूर एडमिनिस्ट्रेशन भी सुना दी है पुलिस भी सुना दी है और बड़ी सारी जगी जनता ना जगी बिलावर दी कठुआ दी जम्मू कश्मीर दी लागे हिंदुस्तान बंद करने स्कूल बंद करने इंसाफ चाहिदा ठीक है सारे बच्चे दा अगर इंसाफ नहीं मिलया तां इंसाफ नहीं मिलया सा इंसाफ चाहिदा चलो कोई नहीं मेरे कन्ने और फिर भी इस वेले वार्ड मेंबर मौजूद हैं ना तीनों बच्चे सारे दा मैं बहुत-बहुत शुक्रिया ते शुक्रिया अदा करदा तोड़ा मैं और एडमिनिस्ट्रेटर कठुआ एसएसपी बिलावर एसएचओ अज तक इत्थें ये गरीब तकबा पहाड़ी एरिया है अज तक इत्थें नहीं दिखे गए नो संस्कार तो आया हा एस एच ओ लेकिन उन्हें दो दिन का टाइम दिता हा कि थोड़ी जल्दी से जल्दी जड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है लेकिन एस एच ओ कोई एस एस पी कोई इस उस तो बाद नहीं दिखा गया इत्थें ये गरीब तकबा क्या गरीब की सुनाई नहीं है गरीब की सुनाई कितने भी नहीं है ज़्यादा पैसे की इज्जत है और मैं एस एस पी कठुए का रिक्वेस्ट है कि जल्दी हाँ जल्दी जड़े कातल न इन्हें पकड़िया जा लेकिन अज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और एस एच ओ बिलावर इन्ना मैं रिक्वेस्ट करना कि इन्हों जल्दी से जल्दी पकड़िया जा लेकिन कुछ उन्दे कोला हथियार भी फोन भी जड़ा के 10 दिन के बाद उन्हें मुड़े कोला फोन भी हासिल किया गया लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया मुड़े जड़े दो मुजरम पकड़े गए न उन्हें नहीं अरेस्ट किया गया और एसएसपी कठुआ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये तुसी अल इदा इंसाफ कर सकते हो जल्दी से जल्दी नहीं तो जरा असी रोड बंद कर देने स्कूल बंद कर देने दो दिन का टाइम दिता गया असी एडमिनिस्ट्रेटर की कि अगर थोड़े कोला होंदा ता तुसी करो अगर नहीं होंदा ता पब्लिक की अग्गे बदन दियो असी स्कूल भी बंद कर देने असी दो दिन का टाइम दिने एडमिनिस्ट्रेटर की कि अगर तुस थोड़े कोला होंदा ता तुसी इदी इनक्वायरी करो नहीं तो असी रोड ब्लॉक कर देना असी दो दिन का टाइम दिने और पब्लिक ये गरीब तकबा इन्हों की कोई सुनाई नहीं है ठीक है और एक मुड़े ही फोन करके बुलाया गया एक कौन बुलाया हा बुलाए ये एस एच ओ ने बुलाया जरा साड़ा अपना के ना दा ये दो मुड़े पकड़े गए ने एक दे पेरेंट्स ने उसी दूजे मुड़े बुलाया गया उसने उसी डिस्कशन की उन्हें कि तू जरा इक बयान पढ़िया कि पानी से डुबया गया असे एस एच ओ भी ये सबूत करी दसा कि पानी किस तरह डुबे ने कुन लेके गया उन्हें किस तरह गए उत्थे केड़े टाइम च गए उत्थे असें सबूत करी दसा ये पब्लिक है गरीब है अनपढ़ता है लेकिन गरीब की सुनाई कोई नहीं है लेकिन ये है कि असें कुछ ना कुछ सबूत करी दे एस एच ओ
और उड़ा डिस्कस की के तुसी ये बोलियो के पानी से डूबिया के उन्होंने जबरदस्ती दूजे मुड़े नु किया उन्हें बाबू राम ने के तू इको बयान पढ़िया के ये पानी से डूबे गए ना असानू सबूत करके दसो के पानी किस तरह डूबे ने और जड़े हो पैसे की कोई तू चिंता नहीं करनी पैसा जो भी होगा मैं लांगा एक उन्हें बाबू राम ने बोलिया दसो असे सबूत दसो ना के पानी किस तरह है किने लिते ने गए उत्थे और मुड़िया की पानी कन्ने डूबने की नहीं मौत होती अगर तुसी पानी ने डुबदे नो अगर पानी ने उंदी मृत्यु होती सानू सबूत करके दसो उंदी गर्दन इस तरह अगर पानी च डुबिया गया इंसान ना उदे पेट च पानी भरिया जिंदा और पानी च उंदी 100% पानी च नहीं डैथ होती उन्होंने उन्होंने मार के डैथ उंदी आत्महत्या करके पानी च सुट्टे गए नो ये ऐसा कुछ नहीं है लोगों का गलत रहा है सच तो भी गलत हुआ है कि पानी च डुबिया गया उंदी मौत होई वो ऐसा कुछ नहीं है मारिया गए थे एक मुड़े का ब्लड अगर पानी च इंसान की मौत होती है तो वो ब्लड नहीं आता उनके अंग मां नहीं टूटते एक मुड़े की गर्दन बिल्कुल घूमी दी चार चबक्की मतलब इस तरह ना नहीं है कि वो उनकी पानी च डैथ हो गई है ये SHO सानू सबूत करी दे SSP सबूत करी दे ASI सबूत करी दे कि पानी च डैथ हो गई उनकी ये नहीं है कि गरीब तबके की सुनाई नहीं है इतने अनपढ़ता है और इतने इन्नी डिवेलप नहीं है ये गरीब तबका है और अज तो सारे लोग कट्ठे हो गए अज कुछ ही असि चले फिर बलौर चले अज साढ़े असि मतलब कल कर्म होया असी इस तरह भी बिजी है घर तो असि अज फिर बलौर चले कि असी SSP SHO ही पुछते हैं कि दसो तुसे किन्नी इन्वेस्टिगेशन की है ठीक है और गरीब की कोई सुनाई नहीं है SHO बिलावर होश में हो SHO बिलावर होश में हो होश में हो SSP कठुआ होश में हो होश में हो SHO बिलावर होश में हो होश में हो और गरीब दी कोई सुनाई नहीं है और मैं आप थोड़ा शिव टाइम दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा हां। अच्छा तुस की गलाने जांदे महाराज लास्ट ही महाराज साडा मुंडा जेड़ा ना शीतल गमार मैं दा डैडी बोला ना दा मतलब ओ साडा नानी घर गेदा मुंडा और जेड़ा मुर्जम मुड़ा एक पड़गोदा इन अपने फोन उपरा फोन करिए सद्या उसी बलोरे किस कारण से सद्या मोर मराना से सद्या मारना से सद्या ना वो तो स्कूल भी नहीं जिंदा है किस कारण सद्या किस बेस उपर सद्या क्यों सद्या उदी भी पूछना उसी भी इनकारी होना चाहिए उदी इनकी इनकारी कुछ नहीं हुई है जेड़े मुंडे पड़गोदे इनकी इनकारी की जा इन्हें अगे अगला पॉइंट का सारा पता इन्हें कि के कारण होता के नहीं होता किस तरह मारे क्या किया सब पता इनकी इनकारी कोई नहीं हुई है इनकी जल्द अज जल्दी इनकारी होनी चाहिए नहीं तो असी मतलब असं धरना उपर आ जाना असं रोड बंद कर देने स्कूल बंद कर देने हॉस्पिटल बंद कर देना थाना SHO वगैरह शगैरा सारा कुछ असें बंद कर देना। अच्छा जेड़े त्रै बच्चे की डैथ हुई तो इनके जो पेरेंट्स काम करते भला त्रौनी दे सारे ध्याड़ी लाने महाराज में ध्याड़ी लाना पल्लेदारी करने बाहर जन्ने गरीब आदमी। चलो कोई गल नहीं थोड़ी गल जरूर इतों की एडमिनिस्ट्रेशन सुने दी है हम दिखने वाली ये गल है कि SHO बिलावर गौरमेंट की सैलरी लेंदे ने बुरा नहीं मनना इस गल का लेकिन अगर शिफ्ट टाइम की टीम प्हाड़ी जिले बिच अगर इनकी दूई बारी कवरेज करने आई आ ते जे अगर इन्ने लोग अगर ध्याड़ी लाने आले अगर बिलावर थाने बिच अपना इंसाफ मंगने आस्ते अगर चली आन ते क्या SHO बिलावर का यह फर्ज नहीं बनता है कि अस बिलावर थाने का उठिए तो इन्हें लोगों घर आइए आश्वासन दे देने कि परे अस थोड़ी दो या चार दिन के बिच जी फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने और इन्हें जेके मुजरम की अस सलाखे पिछे दिने और सब तो बड़े अफसोस कन्नै केह बोलना पौंदा नी कि छोटी जी अगर गल होवै तामी ते जे अगर बड़ी गल होवै नी तामी कुछ ऐसे पोलिटिकल लीडर ऐसे न जेड़े मौके दे इत्थै नहीं पुजदे न जेड़े मौके दे इत्थै पुजे उन्हें कोई पुछदा नहीं है लेकिन जेड़े इत्थै मौके दे नहीं पुजे ना तो अपनियां राजनीति दियां रोटियां सेकने आस्तै कि अस बिलावर की जनता आस्तै बड़ा कुछ करी जाने सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति बनाई जाते शर्म आना चाहिए ऐसे पोलिटिकल लीडरें कि इन्हें गरीब लोगों ने बच्चों की डैथ हो दी है और तुस राजनीति दियां रोटियां सेकी जाते बड़े अफसोस कन्नै बोलना पौंदा कोई भी वह पार्टी का लीडर होवे क्योंकि दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम कुछ भी नहीं बख्शग। मैं फिर SSP कठुआ अग्गें और LG साहब अग्गें रिक्वेस्ट करना कि इन्हें जेड़े बच्चे जेड़े न जेड़े दुर्भाग्यपूर्ण कन्नै इन्हें लोगों ने कहना कि उनका एक मर्डर होता और उनके मुजरम जेड़े अज शरेआम जेड़े घूमी जाते हैं और उन्हें पगने आस्तै क्या SHO साहब एक कदम नहीं चुकी सकते इन्ना चिर कॉल डिटेल नहीं निकली सकती 2 घंटे बिच कॉल डिटेल निकली सकती है 2 घंटे बिच अगर पुलिस डिपार्टमेंट चा एक गरीब लोगों के बच्चे की डैथ होती ना अगर कुसै अमीर बच्चे की अगर डैथ होती होंगी या फिर पोलिटिकल लीडर के बच्चे की अगर डैथ होती होंगी ना तो जरूर दुए 2 या 3 घंटे बिच मुजरम सलाखे पिछे आना होना लेकिन अज 15 दिन हो गए 15 दिनों का
कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी आता है तो इस चीज़ उपर जरूर सोचना। और क्या इन्नी नाकाम सारी एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्नी नाकाम सारे पुलिस डिपार्टमेंट है और इन्ने नाकाम सारे पोलिटिकल लीडर ने सिर्फ अपनी राजनीति दियां रोटियां सेकने आस्तै सिर्फ के करी जाते इन्हें लोगों गुमराह करी जाते। मैं जनता का रिक्वेस्ट करना कि इस वीडियो की ज्यादा कोला ज्यादा शेयर करना ताकि जेडे त्रै स्टूडेंट ने जेडे इन्हें बच्चे की इंसाफ मिला। अच्छा क्या गाने चाहते महाराज तुस? महाराज ये साढ़े लोगों चेतावनी दी है मीडिया तरफा कन्नै, अगर साढ़े कन्नै इंसाफ नहीं होया इत्थों पूरे बगन की बुला कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई वोट मंगने के मंगने संदूखड़ियां खाली भेज के पूरी बगन ब्लाक दी कोई वोटिंग नहीं होगा। तां के साडे जनता ने इंसाफ नहीं दिखिया आखी सामने इंदे इंसाफ नहीं लभग तां के असी कोई लीडर कोई कुसै पंचे सरपंचे असी कुसे नहीं चलगे। अगर साडे इंसाफ पूरा क्लियर होया तां असी अगली गल करगे। मीडिया ने कन्नै चेतावनी है जिन्ने मर्जी लीडर होन जिन्ने मर्जी घूमन संदूकड़ियां खाली वापस लेगी भेज के जियां साढ़े मुड़े चली गए इयां संदूकड़ियां खाली जंगियां और साढ़े मुड़े उस दिन पूरे हिरासत च ले। चलो कोई गल नहीं थोड़ी गल जरूर इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल महाराज बड़ी हैरानगी दी गल है त्रै मुड़े मेरे बाड़ दे चली गए न एडमिनिस्ट्रेशन इत्थें विश्वास दिलाना असी इन्ने दिनें थोड़ा पता करने इन्ने अपनी जनता इत्थे मो असी के समझा महाराज दिनें नहीं असी बौंदे ते राती नहीं सौंदे के करचै महाराज बैटरियां लो होंदियां लोग गाने घटदे न गांदे क्या होगी इंदियां लो इतने ना बत्ती का साधन है कोई एक घंटा होंगी दो घंटा बस लोग के दुनिया जवाबदारी दी असी क्यों होया साढ़े बच्चे साढ़े बच्चे ने इंसाफ दसाओ तो असी तां सारा आना साढ़े बच्चे ने इंसाफ दसाओ। कोई गल नहीं थोड़ी गल जरूर इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा बड़ा शुक्रिया ना तुम एडे दूर का इतना आए न और बड़े आए न वो अपने वोट बैंक अपने कमें से आते हैं इं कोई नहीं आता बाकी कोई मीडिया लब नहीं लब्भा और इतने पहले भी नहीं लब्भा और पहले महीना होया इतने इन्ने बड़े कोई इनिया बड़िया के गल्ला दसने के इशू दसने अपने तुम इस गल्ला असं बोली नहीं सकते जे साढ़े ये इशू नहीं इतवा दे लेकिन साड़ी अज हाँ पहले भी नहीं ले संभाल कोई और एडा बड़ा जुल्म इन्ना बड़ा जुल्म होया हूं भी नहीं ली साड़ी कुछ बड़ी हैरानगी की गल है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बलोर लाई दी असं चेतावनी है साड़ी असी पूरी फिंत्र चौक बंद करके नहीं इतने घट बंद कर उड़गे तो साढ़े लोग सफर होंगे असी पूरी फिंत्र चौक ब्लॉक कर देंगे पूरे हाई सेकेंडरी स्कूल बंद करके और मास्टर भी मैं चेतावनी दी मैं स्कूल आ गया दो महीने पहले मैं मास्टर गलाया हा अगर साढ़े बच्चे नहीं होने तो मेरा नंबर नोट करो तो मिकी फोन करो घर जिसने स्कूल नहीं होंगे। चलो कोई गल नहीं हूँ दिखने ये गल है कि एस एस पी कठुआ कि जल्दी एक्शन लेंदे एस एच ओ बिलावर कि जल्दी एक्शन लेंदे तो या फिर उऐ एक फिल्म भी है कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तो इन्हें गरीब लोगों की हंडियां उपर हंडी हंडियां उपर हंडी क्योंकि ध्याड़ी लाने वाले बंदे नहीं ये और ध्याड़ियां भी कुदै लांदे ने मंडिया जाइए तो जे अगर मीडिया वाले अगर बिलावर का या रामकोट का उठिए अगर भगन के बच्चे आई सकते तो एस एच ओ बिलावर एस एस पी साहब भी अगर इंदे घर आइए इन्हें आश्वासन दे सकते अगर एक दो दिन के बच्चे अस मुजरम की जरूर फगने और दिखने वाली यह गल है कि हम अस 15 दिन के बाद फिर असें कवरेज करनी फिर इन्हें लोगों असें पूछना कि पुलिस ने कितनी ज़्यादा कार्रवाई की है और किन्नी नहीं की है। मैं जनता का रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देने बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।